नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो हाल ही में चाइना और लिथुआनिया के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो यहाँ पे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको डिटेल में बताऊंगा ये ट्रेड वॉर है किस बारे में, और चाइना जो यहाँ पर पुष्पा बना हुआ है कि साला मैं झुकेगा नहीं, और ईयू चीफ को यहाँ पे धमका रहा है बार बार कि चाइना की तरफ से और कोएर्शन देखने को मिलेगा और स्ट्रिक्ट यहाँ पे हम लोग चीजों को ब्लॉक करेंगे, राइट, पॉलिसीज लेकर आएंगे। अगर आपने लिथुआनिया को समझाया नहीं, अपने बच्चे को समझाइए। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये वॉर, ये ताकत है चाइना के पास, ये डिप्लोमेटिक पावर है, ये आदि कहां से है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, बैक लिथुआनिया और फेस मोर कोएर्शन फ्रॉम चाइना, लॉ मेकर्स टेल ईयू चीफ। एक देश जो पूरे ईयू को हिला के रख दिया है। आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले चाइना ने टारगेट किया था लिथुआनिया को ओवर ताइवान। ताइवान से रिलेटेड यहां पर मुद्दा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो यहां पर अफेक्ट हुई हैं। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज कुछ रीजन जो होते हैं, यूपीएससी आपसे हमेशा एक कदम आगे चलता है। यूपीएससी की बात करें या आपके स्टेट पीसीएस की बात करें, उन सभी में इस तरीके सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। लिथुआनिया जो बॉर्डर स्टेट है किसका, बाल्टिक सी का, तो बाल्टिक सी यहां पर हमारी इंपॉर्टेंट बनती है। मैप के जरिए आपको डिटेल में बताऊंगा, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आपको आंसर करना है कि कौन कौन से देश उसको बॉर्डर करते हैं। पहला रशिया, दूसरा लिथुआनिया, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड। ए बी सी डी, यहाँ क्या करेक्ट आंसर बनता है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। यहां पर मामला क्या है पूरा ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए, चाइना जो है, ताइवान ने क्या किया, अपना लिथुआनिया में एक क्या बनाई, एम्बेसी बनाई, और उस एम्बेसी का नाम, जैसे इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो उस एम्बेसी का नाम क्या होता है, चाइनीज ताइपे के रिफ्लेक्ट में होता है, यानी ताइपे माना जाता है, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसको पूरा विश्व मानता है, और इवन यूएस तक उसको कंसिडर करता है। तो यहां पर लिथुआनिया ने अलाउ करा उनकी एम्बेसी का नाम रखने के लिए ताइवान, और ताइवान नाम से चाइना को बड़ी नफरत है, बिकॉज ये उसकी जो वन चाइना पॉलिसी है उसका वायलेशन है, राइट, उसको ऐसा लगता है कि हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। सिमिलरली जब जम्मू कश्मीर के खिलाफ कोई भारत में बोलता है तो हम लोग कैसे आहत हो जाते हैं, राइट, उसको कोई भी सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर को, तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर लगाई है। उसी तरीके से इन्होंने क्या करा, लिथुआनिया को बैन करना शुरू कर दिया, उनके ट्रेड्स ब्लॉक करना शुरू कर दिया। किसने, चाइना ने, एज अ प्रोटेस्ट कि आपने कैसे अलाउ किया ताइवान की एम्बेसी को ताइवान नाम रखने के लिए, राइट, सिर्फ नाम के बदले ये पूरा जो भी इशू हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, नाम के पीछे हो रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊं, फिर चाइना ने क्या किया, जो लिथुआनिया से रम आने वाली थी चाइना में, उसे ब्लॉक कर दिया, रम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर क्या किया, यहां पर आई TTL, ताइवान टोबैको एंड लिकर कॉर्पोरेशन, जिन्होंने क्या करा, ये लिकर को बाय कर लिया, जो भी रम थे लगभग 20,400 बॉटल्स थी रम की, और इन्हें ताइवान लेके चले गए, राइट। अब इन्होंने परचेस कर लिया तो ये चीन के जो जख्म थे उन पर नमक छिड़कने के बराबर हो गया। तो अब चीन को और गुस्सा आया, तो चीन ने पूरा ही बैन लगाना शुरू कर दिया किसके ऊपर, लिथुआनिया के ऊपर, कि अपने देश को समझाइए जो ताइवान को इतना सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर ताइवान का कहना है कि लिथुआनिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लिथुआनिया हमारे लिए है और हम लिथुआनिया के लिए, तो दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं, और चाइना को यहां पे इन रिश्तों से काफी परेशानी हो रही है। साथ ही मैं आपको एक मैप दिखाता हूं कि बाल्टिक सी की जो बॉर्डरिंग नेशंस है उनमें कौन कौन यहां पर आता है। आप देख सकते हैं बाल्टिक सी, इसमें आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलेगा, पहला है स्वीडन आपका, राइट, देन आपका फिनलैंड, देन उसके बाद आप देखिए रशिया का थोड़ा सा पार्ट यहां पे टच होता है, और जनरली यहीं पर गेम बनता है, बच्चे भूल जाते हैं कि रशिया बाल्टिक सी से यहां पे टकराता है या नहीं, ऑलराइट। फिर आपका एस्टोनिया हो गया, राइट, ये रशिया थर्ड हो गया, ये फोर्थ, लात्विया फिफ्थ, लिथुआनिया सिक्स्थ, देन आपका पोलैंड यहां पर सेवंथ आता है, जर्मनी एट, एंड डेनमार्क आपका यहां पे नाइन्थ बनता है, राइट। नॉर्वे के कुछ पार्ट्स यहां पर कंसीडर किए जाते हैं कि बाल्टिक सी से टकराते हैं, पर एज अ नेशन अगर हम बात करें तो नॉर्वे बाल्टिक सी को बॉर्डर नहीं करता, याद रखिएगा। टोटल नाइन नेशंस यहां पर टच करते हैं बाल्टिक सी को। साथ ही मैं बात करें, व्हाई डिड चाइना ब्लॉक द कंसाइनमेंट, चाइना ने कंसाइनमेंट ब्लॉक किया क्यों था, मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि जो एम्बेसी वाला इशू हुआ था पूरा, उसके चलते यहाँ पर चाइनीज ताइपे जो नाम रखना चाहिए था उसकी जगह इन्होंने ताइवान नाम रख दिया, और इससे बीजिंग को यहाँ पे परेशानी हो गई। बीजिंग ने सीधा कहा है कि उसकी सोवरेनिटी जो है उसके खिलाफ, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट ना करने के बराबर है, ऑलराइट, चलिए। और बेसिकली जो चीन जो है वो बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए भी करता है ताकि आगे कोई ना करे, अभी से हम लोग ऐसे स्टर्न एक्शन दिखाएं, स्टर्न एक्शन दिखाएं कि यार नहीं, हम झुकने नहीं वाले, कर लो जो करना है, तो इससे क्या होगा, पूरा विश्व डरेगा। एक होता है ना, गुस्से वाले आदमी से हर कोई डरता है, उसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट यहां पर चीन यूज करता है। हाउ डिड द वॉर बिगिन, देखिए ये वॉर शुरू कैसे हुआ था, सबसे पहले हम बात करें जो एम्बेसी की हुई थी वहां से ये वॉर शुरू हुआ, देन इसको बढ़ावा कैसे मिला, लिथुआनिया ने जो क्या अपने जो डिप्लोमेट्स थे ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, विंटर ओलंपिक गेम्स जो बीजिंग में थे 2022 के, उसमें भेजने से यहां मना कर दिया, राइट, और जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है चाइना में उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करता रहता है। अब चाइना के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करेंगे तो चाइना को तो बुरा लगेगा ही, गुस्सा आएगा ही। उसी प्रकार हालांकि ये जो फैक्ट था कि लिथुआनिया ने जो अपने एथलीट्स हैं और जो डिप्लोमेट्स को ओलंपिक गेम्स में भेजने से रोका है, बॉयकॉट किया है, लिथुआनिया ने यह डिनाई किया है और कहा है कि इन्फॉर्मेशन अटैक हुआ है हमारे ऊपर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहां पर फैला रहा है। और सिमिलरली चीन का भी यही कहना है कि हमने लिथुआनियन रम को कभी भी ब्लॉक नहीं किया, ये गलत इन्फॉर्मेशन यहां पर फैलाई जा रही है। तो दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स यहां पर दे रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और कोई बोल रहा है ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही में लिथुआनिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्ट्रेटनिंग टाइज विद ताइवान, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लिथुआनिया और ताइवान के टाइज सबको यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं चाइना क्या इंपोर्ट करता है लिथुआनिया से और लिथुआनिया क्या इंपोर्ट करता है चाइना से, ये जो ट्रेड है ये किसके फेवर में है। देखिए चाइना के जो चाइना के द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता है माल लिथुआनिया से, दैट इज अराउंड $500 मिलियन अप्रॉक्स आपको मैं बता रहा हूं। साथ ही में जो चीन जो लिथुआनिया इंपोर्ट करता है चीन से, दैट इज अराउंड $1400 मिलियन, राइट, ये दैट इज नोन एज लगभग 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स यहां पर बनता है।
ऑलराइट, तो ये फेवर किसके फेवर में है? ये ट्रेड चाइना के फेवर में है, चाइना से ज्यादा माल ले रहा है लिथुआनिया, पर चीन को ये 1.4 बिलियन यूएस डॉलर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उसके लिए बहुत छोटी सी रकम है, राइट? चीन का ये कहना है कि हमारे लिए ताइवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पैसों के आगे, राइट? आप मत लीजिए सामान हमसे, राइट? पर हम लोग विश्व में तो बहुत आगे निकलते जा ही रहे हैं। इंडिया से अगर मैं ट्रेड की बात करूं चाइना की, तो आप देखेंगे कि 97.5 US डॉलर्स, राइट, बिलियन, दिस इज बिलियन, याद रखिएगा, बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड है किसके बीच में? चाइना और इंडिया के बीच में। यानी इंडिया जो है चाइना से, इंडिया जो है चाइना से 97.5 बिलियन यूएस डॉलर का माल खरीदता है। तो अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में कोई विवाद होगा, तो चीन उसे जल्दी सुलझाने में लगेगा, राधर देन वो धमकी देता रहेगा या ब्लॉक करेगा ट्रेड को, बिकॉज इतना पैसा यहां पर मैटर करता है। दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। ऑलराइट, चलिए, कहते हैं ना छोटे को दबाना और बड़े से थोड़ा खुद दब जाना, उसी प्रकार की पॉलिसी यहां पर चाइना चला रहा है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस की बात करूं चाइना के ऊपर, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया तो किस हद तक डिपेंडेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 35% का जितना भी वो एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 35% चाइना के पास एक्सपोर्ट किया जाता है। ताइवान लगभग 30%, आप देखिए कोरिया, चिली, जापान, पूरा देश बहुत हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है अपने एक्सपोर्ट्स को लेके। साथ ही में यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। चाइना की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें चाइना का सिंपल कहना है कि हम ताइवान को कुछ कंसिडरेशन नहीं करते, चाइवान भारत का, सॉरी चाइवान, सॉरी माफ कीजिएगा, ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है, राइट, चीन का, और इसे बोलता है चाइनीज ताइपे, इट इज नॉट ताइवान, इट्स चाइनीज ताइपे, क्लियर। और इस वन चाइना पॉलिसी को पूरा विश्व मानता है, राइट, और ताइवान जो है वो जनरली कोशिश करता रहता है अपनी इंडिपेंडेंसी उसकी बरकरार रखे और वो ताइवान को एज एक अलग से नेशन यहाँ पर बना सके। साथ ही में बात करें कि पूरे विश्व का क्या रिस्पॉन्स है चाइना का जो क्रैकडाउन हुआ है लिथुआनिया के ऊपर उसको लेके। देखिए चाइना ने जो क्रैकडाउन किया लिथुआनियन इंपोर्ट्स पे, ये इसने यूरोपियन नेशंस को भी अफेक्ट किया है, क्योंकि एक ग्लोबल सप्लाई चेन होता है। लिथुआनिया से चाइना जो भी माल, लिथुआनिया के द्वारा चाइना जो भी माल जाता है वो कहीं और से भी आ रहा होता है, राइट, फ्रांस नेशन भेज रहा होता है, जर्मनी से आता है, स्वीडन से आता है। अब चाइना उसे ले गई नहीं, चाइना उस ट्रेड को ब्लॉक कर देगा, तो ये माल फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, इन सारे देशों का नुकसान होगा। तो ये यू नेशंस ने सबने मिलकर यहाँ पर लिथुआनिया को सपोर्ट किया है और सबने बोला है कि चाइना का ये गलत यहाँ पर स्टेप है। और फ्रांस, जर्मनी का यहाँ कहना है कि हमें सारे यू नेशंस को साथ में आना चाहिए और बीजिंग के खिलाफ एक स्टर्न एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। और यूएस को तो बेटा यहाँ पर मौका मिल गया, यूएस का साफ कहना है कि बीजिंग के जो एक्शन है बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी भी एक छोटे से देश पे प्रेशर नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि चीन के खिलाफ जब भी कोई बात होगी यूएस यहां पे हमेशा सामने वाले के सपोर्ट में आपको दिखता देखने को मिलेगा। यूरोपियन कमीशन तब से जो बीजिंग की बुलिंग पॉलिसीज हैं, जो भी वो कैंपेनिंग कर रहा है लिथुआनिया के अगेंस्ट, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ है। और चीन यहां पर बिल्कुल भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसने साफ कहा है कि और ये तो बेटा शुरुआत है, अगर आपने लिथुआनिया को वापस नहीं लिया, उसके एक्शन को वापस नहीं लिया, ताइवान का नाम चेंज करा के चाइनीज ताइपे नहीं करवाया, तो देखना हम और क्या क्या करते हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। चलिए जल्दी से हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर बाल्टिक सी? देखिए मैंने आपको बताया था रशिया इज द राइट आंसर, लिथुआनिया भी बॉर्डर करता है, स्वीडन भी करता है, फिनलैंड भी करता है, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं रशिया की बात करें, फिनलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें, इन साथ में लिथुआनिया, ये सारे ही बाल्टिक सी को बॉर्डर करने वाले नेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया अच्छी तरह, तो प्लीज लाइक कीजिए। आपका जो लाइक करते हैं जब आप वीडियो को, हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में यहाँ पर काम करता है। जय हिंद, जय भारत।